निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। एक एक करके सारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पिछड़ों की विरोधी है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा पर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज पिछड़ों की सुविधाएं खत्म कर रही है, उसी तरीके से आगे चल करके वो दलितों की सुविधाएं को भी ख़त्म कर देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने नौकरियों में जो तमाम धांधलियाँ हुई उसको लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों के साथ कई अन्याय हुए, नौकरियों में सूची जारी करने के बाद सूचियां बदल दी गईं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह सपा के अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी सरकार पर ही कई सारे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जो प्रमोशन में आरक्षण था उसे खत्म करने का काम अखिलेश यादव ने ही किया था। साल 2013 में 4 सितंबर को जब इस तरीके की खबरें आई थीं, प्रमोशन में जो आरक्षण का अधिकार था जिस समय वो खत्म हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने इसको लेकर के अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब वो सरकार में थे तब उन्हें पिछड़ी जातियाँ जो थीं उसका ख्याल नहीं आता था। तब उस समय 4 सितंबर 2013 के तमाम अखबारों की कटिंग दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि 27% जो आरक्षण है उसका लाभ केवल 12 जातियां ले रही हैं। इसमें यादव, कुर्मी और जाट को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है इन आरक्षण का, और साथ ही साथ कोर्ट ने जो है वो लाभ पा चुके जातियों के ऊपर जो है वो आरक्षण जो था उनका उस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो जब उन्होंने 5 साल सरकार चलाई तो जो अति पिछड़े समाज में जो जातियां आती हैं उनका उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने ये भी गिना दिया कि 38% आबादी है अति पिछड़ों की, और जिधर ये जाते हैं उधर उसकी सरकार बन जाती है। साथ ही साथ उन्होंने आरक्षण के इस मुद्दे पर यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, सुभा सपा भी इसका विरोध कर रही है और भाजपा भी इसका विरोध कर रही है। बिना इस आरक्षण के हुए जो है वो निकाय चुनाव नहीं होने देंगे, ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कही। हालांकि भाजपा पहले ही इस बात को कह चुकी है कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। इसके लिए उसने पिछला एक आयोग भी बना दिया है जो अब विस्तृत रिपोर्ट बना करके सबमिट करेगा, जिसके हिसाब से आरक्षण को लागू करके ही चुनाव कराया जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया था। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात हो रही है। लगातार सभी भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात कही है कि अगर आवश्यकता हुई तो सभी कानूनी पहलुओं को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वहीं खुद जो है ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि अगर जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। हालांकि इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस के सरकारों की तारीफ करते हुए भी सुनाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के बाद जितने फैक्ट्रियां लगाईं उतने उस तरीके का काम आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। अंत में ये सुन लीजिए अखिलेश यादव का बयान। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबसे अपनी पार्टी के पक्ष की बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है, और आज जो हमें देखने को मिला है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं,
अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके और खासकर ओबीसी दलित उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती। कोई ना कोई प्रचार के माध्यम से कुछ लोगों को फुसला करके उनके बीच संदेश भेजने का काम वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है और लगातार संस्थाओं में साजिश करके षड्यंत्र कर करके कहीं ना कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है कल दलितों का भी छीनेंगे।